नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा। खबर जबलपुर से है, जहां पूर्व विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को खेरमाई वार्ड में जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दौरान कात्यानी मंदिर में लखन घनघोरिया ने पूजा अर्चना भी किया। वहीं क्षेत्रवासियों का भारी समर्थन मिलता हुआ दिखा। क्षेत्रीय लोगों के द्वारा उन्हें फूलमाला पहनाकर और फूलों की बारिश करके अभिवादन किया गया। दरबार के सामने खड़े हैं जी। एक ये सौभाग्य मुझे मिला कि छोटा सा बच्चा भी भैया कहता है, उसके पिताजी भी भैया कहते हैं, उसके दादा भी भैया कहते हैं। ये अपनापन, ये आत्मीयता उस मातेश्वरी की कृपा से बहुत मिली है जी। और ये प्यार, इतने आशीर्वाद हमारे साथ चलता है और ये ही हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच में? पूरे 5 साल जो जनता के बीच में रहेगा, अपने आप को जनता के सुख दुख से जोड़ेगा, उसके साथ जनता चलती है। विकास तो बहुत होते हैं, संवेदनशीलता और संवेदनपूर्ण दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक जो संवेदनशील है उसके साथ जनता रहती है, और जो संवेदनपूर्ण है, जो कभी घर से ना निकला हो, चुनाव लड़ने आया हो 5 साल, तो फिर जनता एक को नमस्कार करती है, एक का तिरस्कार करती है, बहुत स्वाभाविक की प्रक्रिया है। 5 साल का जो आपका लोगों के साथ में कामकाज रहा, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा कोरोना काल, क्योंकि जनता उस समय पीड़ित थी, आपके पास पे आई और साथ ही साथ आपने वो निदान किया, तो उस चीज को याद करेगी। और जनता है, जनता उस चीज को याद करती जब पीड़ित मानवता की सेवा होती है। क्या कहेंगे? ये तो खैर इंसानियत का तकाजा था जी, कि जब इंसानियत मर रही हो तब लोगों को इंसानियत करना चाहिए। ये तो हमारे क्षेत्र के हमारे एक एक कार्यकर्ता इसमें शरीक रहा है, हमारे इस पूरे कामों में। अकेले ये नहीं है, कोविड काल तो है, बहुत बड़ा कारक है। यहाँ पहाड़ियों की लड़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त थी, कम से कम हमारी विधानसभा में 30,000 मकान बेदरबार हुए।